ओह फोर रन्स बस 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 मैं आउट कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का वीला करते हैं शुरू। हम लोग ग्राउंड में आए हुए थे, भाई लोग साथ हैं, अदनान भाई और नबील भाई। तो वर्किंग से थोड़ा टाइम निकाला और यहाँ पे आगे धूप सेक रहे थे, तो सामने मैच हो रहा है, साथ साथ मैच को भी इंजॉय कर रहे थे। वेरी गुड शॉट, ग्रेट। ओ भाई साहब, इतनी तेज़ धूप है ना आज के, जैकेट उतारने को दिल कर रहा, गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियां जो है ना वो अब थोड़े दिनों के मेहमान ही हैं। पीर के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं जो है ना बैट बॉल लेके आऊँगा आपके लिए, तो अभी उसकी कॉल आई थी, बाबा आप भूल ना जाइएगा। तो मेरे पर्स में कैश नहीं थी, वो विड्रॉल करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ बैंक। सियालकोट की जो स्पोर्ट्स मार्केट है वो फेमस है, क्योंकि सियालकोट एक स्पोर्ट्स सिटी है। तो इस वक्त मैं मेन स्पोर्ट मार्केट के बीचों बीच हूँ, ये आप देख सकते हैं हर तरफ स्पोर्ट्स की ही शॉप्स है। तो बीर के लिए बैट यहीं से कहीं से लेते हैं। यहाँ से ये प्लास्टिक वाले मिल रहे हैं, ये छोटे लकड़ी वाला ढूंढते हैं। यहाँ से स्पोर्ट गुड्स पूरे पाकिस्तान में भी और बिरूने मुल्क भी एक्सपोर्ट होते हैं। भाई साहब ये बैट जो है पसंद आया, ठीक है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और वीर जो है वो भी खुश हो जाएगा। बैट ये वाला बॉल, ये ऐसे लग रहा है हॉट बॉल का है लेकिन ये प्लास्टिक का बना हुआ है। वीर काफ़ी खुश होगा आज। हम लोगों ने सिर्फ एक बैट और बॉल ही लेना था वीर के लिए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स बाजार है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह आपको पूरा विजिट करवाएंगे। वैसे इस पर अगर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखें ना, इस पर पूरा एक ब्लॉग बना हुआ है। मैं वापसी पर रुका था यहाँ पे, सियालकोट के फेमस दही बल्ले शॉप है A1 दही बल्ले। तो कभी कभी यहाँ पर वापसी पर मैं ब्रेक लगाता हूँ और इनके दही बल्ले जो है ना वो मैं खाता हूँ। ये रहे जी अपने दही बल्ले। लीजिए भाई साहब, मैं घर पहुंच चुका हूं, अबीर मेरा वेट कर रहा होगा। अबीर ये देखो, पसंद आया कि नॉर्मल है? मेरा वेट करने के लिए खड़े थे तो प्यारा ना, बॉल भी है बड़ा प्यारा, बैग के अंदर है। ओह मेरा बच्चा। ठाऊ अच्छा, अबीर आपको खुशी हुई है? वाओ बस 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 मैं आउट कर दूंगा। मियां ने भी खेलना है। ओ फोर रन्स, मामा ने फोर रन्स। मियाँ को कोई नहीं खिला रहा, मामा भी नहीं खिला रही, भैया भी नहीं खिला रहे। आपने भी खेलना था, आ जाए। अबीर को चोट लग गई, कैसे बेटा लगी है? चलो खेलते हुए चोटें लगती हैं, कोई बात नहीं। मॉर्निंग, टुडे इज फ्राइडे एंड फ्राइडे की सुबह जो है वो उसका आगाज होता है बारिश के साथ, और आप देख सकते हैं सड़कों पे कितना ज़्यादा कीचड़ हुआ हुआ है। और मैं निकल रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो मैंने जो
क्या किया है ये देखे, शॉपिंग बैग जो होता है शॉपर होता है वो दोनों अपने शूज पे रैप कर लिया ताकि शूज जो हैं वो गंदे ना हो। उसके अलावा ये दूध किसी दोस्त ने फरमाइश की थी कि दूध लेके आना, खालिस शहर से खालिस दूध नहीं मिलता, तो उसके लिए दूध लेके जा रहा हूँ। भाई साहब आज तो सारी बूंदाबांदी ऊपर ही बरस गई है, सारी जैकेट गीली हो गई है, बस क्या किया जा सकता फिर, काम तो साथ साथ चलते हैं ना। फिर कुछ दिन से ऐसा चल रहा है कि जब मैं निकलने लगता हूँ ड्यूटी के लिए तो गैस नहीं होती और मुझे घर से नाश्ता नहीं मिलता, तो आज भी मैं ऐसे ही हूँ। तो अभी एंड्यूरिंग वर्किंग तकरीबन 12 बज गए हैं लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। रेडी से चावलों का नाश्ता कर रहा हूँ, बारिश तेज़ हो गई है। ये भाई साहब कमिश्नर रोड पे रेडी है जहाँ से नाश्ता किया अभी, और ये भाई कुछ जो है ना दो भाई ये लगे हुए हैं इस वक्त धड़ाधड़ अंडे छीलने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि मौसम ठंडा है, कोई भी कस्टमर आएगा अंडे के बगैर कोई भी नहीं खाएगा। और काफ़ी मज़ा आया जनाब, कभी कभी इस तरह ढाबा स्टाइल रेडी स्टाइल से खड़े होके खाने का भी बड़ा मज़ा आता जी। दोस्तों बारिश में ही तजमल भाई की गाड़ी में हम आए अभी जुमा पढ़ने के लिए, तो जुमे का टाइम भी तकरीबन हो गया 1:30 बजे जुमा तक, तो मस्जिद में पहुंच गए, सुनता बढ़ गया आ रही है। जुमा अदा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के लिए भी आए हैं अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट, सियालकोट का मोस्ट ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, सबसे पुराना। नबील भाई ऑर्डर जो है ना वो डिसाइड कर रहे हैं, ऑर्डर डिसाइड हो चुका है, बस वो क्या कहते हैं फैसले हो गए हुए हैं, हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रहे। नबील साहब की मानी नहीं गई जी, पहले दनान साहब नहीं मानने देते फिश के लिए, आज तजमल भाई ने जनाब इनके यार मैं बाम खाना चाह रहा था लेकिन ये खाते खाते चिकन पे बात खत्म हुई है, नहीं बाम इनके पास है नहीं। तजमल साहब अगर इनके पास बाम फिश नहीं है तो भाई स्टोर से आपको जंडू बाम ला देते हैं। जंडू बाम आपको चाहिए। खाने में भाई साहब ऑर्डर किया है चिकन ब्रोस्ट, ग्रेवी के लिए चने मंगवाए हैं, रायता रोटी। रायता तजमल साहब ने ब्रोस्ट टेस्ट किया है तो उनको पसंद आया, चले शुक्रिया जनाब, वेलकम जनाब, ये रिकमेंड किया था नबील भाई, थैंक यू जी। चलिए दोस्तों अब खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मोहम्मद आदिल को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।